प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी अशोक। पूत सलिला भागीरथी के तट पर चंद्रालोक में महाराज चक्रवर्ती अशोक टहल रहे हैं। थोड़ी दूर पर एक युवक खड़ा है, सुधाकर की किरणों के साथ नेत्र ताराओं को मिलाकर स्थिर दृष्टि से महाराज ने कहा, विजय केतु, क्या यह बात सच है कि जैन लोगों ने हमारे बौद्ध धर्माचार्य होने का जनसाधारण में प्रवाद फैलाकर उन्हें हमारे विरुद्ध उत्तेजित किया है और पौंड्रवर्धन में एक बुद्ध मूर्ति तोड़ी गई है? विजय केतु, महाराज क्या आपसे भी कोई झूठ बोलने का साहस कर सकता है? महाराज अशोक बोले, मनुष्य के कल्याण के लिए हमने जितना उद्योग किया, क्या वो सब व्यर्थ हुआ? बौद्ध धर्म को हमने क्यों प्रधानता दी? इसलिए कि शांति फैलेगी, देश में द्वेष का नाम भी न रहेगा और उसी शांति की छाया में समाज अपने वाणिज्य, शिल्प और विद्या की उन्नति करेगा। पर नहीं, हम देख रहे हैं कि हमारी कामना पूर्ण होने में अभी अनेक बाधाएं हैं। हमें पहले उन्हें हटाकर मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। विजय केतु बोले, देव आपकी क्या आज्ञा है? विजय केतु, भारत में एक समय वो था जबकि इसी अशोक के नाम से लोग कांप उठते थे। क्यों? इसलिए कि वो बड़ा कठोर शासक था। पर वही अशोक जब से बौद्ध कहकर सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ है, उसके शासन को लोग कोमल कहकर भूलने लग गए हैं। अस्तु तुमको चाहिए कि अशोक का आतंक एक बार फिर फैला दो और यह आज्ञा प्रचारित कर दो कि जो मनुष्य जैनों का साथी होगा वो अपराधी होगा और जो एक जैन का सिर काट लावेगा वो पुरस्कृत किया जावेगा। जो महाराज की आज्ञा, जाओ, शीघ्र जाओ। विजय केतु चला गया। महाराज अभी वहीं खड़े हैं। नूपुर का कलनाद सुनाई पड़ा। अशोक ने चौंक कर देखा तो 20-25 दासियों के साथ महारानी तिष्यर्क्षिता चली आ रही है। प्रिय, तुम यहां कैसे? प्राणनाथ, शरीर से कहीं छाया अलग रह सकती है? बहुत देर हुई, मैंने सुना था कि आप आ रही हैं, पर बैठे बैठे जी घबरा गया कि आने में देर क्यों हो रही है। फिर दासी से ज्ञात हुआ कि आप महल के नीचे बहुत देर से टहल रही हैं, इसलिए मैं स्वयं आपके दर्शन के लिए चली आई। अब भीतर चलिए। मैं तो आ ही रहा था। अच्छा चलो। अशोक और तिक्ष रक्षिता समीप के सुंदर प्रासाद की ओर बढ़े, दासियां पीछे थीं। राजकीय कानन में अनेक प्रकार के वृक्ष सुरभित सुमनों से भरे झूम रही हैं। कोकिला भी कूक कूक कर आम की डालों को हिलाए देती है। नव वसंत का समागम है। मलनायल इठलाता हुआ कुसुम कलियों को ठुकराता जा रहा है। इसी समय कानन निकटस्थ शैल के झरने के पास बैठकर एक युवक जल लहरियों की तरंग भंगी देख रहा है। युवक बड़े सरल विलोकन से कृत्रिम जलप्रपात को देख रहा है। उसकी मनोहर लहरियां जो बहुत ही जल्दी जल्दी लीन हो स्रोत में मिलकर सरल पथ का अनुकरण करती हैं, उसे बहुत ही भली मालूम हो रही हैं। पर युवक को ये नहीं मालूम कि उसकी सरल दृष्टि और सुंदर अवयव से विवश होकर एक रमणी अपने परम पवित्र पद से च्युत होना चाहती है। आप सुन रही हैं books invoice.com।